हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि अगर आप गोल्ड कॉइन खरीदने जा रहे हैं तो कहाँ पर गोल्ड कॉइन खरीदना बेहतर रहेगा। हर जगह के बारे में जानेंगे, बैंक के बारे में जानेंगे, बैंक से खरीद सकते हैं, गवर्नमेंट एजेंसी से खरीद सकते हैं, ज्वेलर से खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या क्या फायदे होंगे या फिर आपको क्या नुकसान हो सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो आशीष जी, जैसे हमेशा हम वीडियो शुरू करते हैं, गोल्ड का प्राइस बताएं, उसके बारे में इसका डिस्कशन करते हैं। गोल्ड का प्राइस आपके सामने है, सभी इंपॉर्टेंट सिटीज का 24 और 22 कैरेट दोनों का आपके सामने है। इनफैक्ट हमारा पर्पज यही रहता है, जिस भी दिन आप गोल्ड सेल या बाय करने जा रहे हैं, आप अपनी सिटी का नाम अगर हमारे कमेंट सेक्शन में लिखते हैं तो उस केस में हमारी टीम आपको रिप्लाई कर देती है उस दिन का भाव, ताकि आपको सही भाव पे सोना बेचना या खरीदना हो पाए। उसके अलावा MCX गोल्ड प्राइस, सिल्वर गोल्ड प्राइस, दुबई और सऊदी अरब का प्राइस भी आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। विनय जी, तो अब यहाँ पे मेन पार्ट पे आते हैं कि अगर मैं गोल्ड कॉइन खरीदने जा रहा हूं तो यहाँ पर कॉस्ट क्या क्या रहती है और मुझे कहाँ पे खरीदना सबसे अच्छा या बेहतर रहता है। बिल्कुल सारी डिटेल में जानेंगे। बुलियन ट्रेडर के बारे में हम जानते हैं, ज्वेलर्स, बैंक, NBFCs, उसके अलावा सरकारी संस्थान रहती है जहाँ पर आपको काफी अश्योरेंस मिलता है। उससे पहले हम जान लेते हैं कि आपकी प्योरिटी क्या रहती है, किस तरह का आपको गोल्ड खरीदना चाहिए। 22 कैरेट का ही आपको गोल्ड कॉइन खरीदना है, सेलिंग के टाइम पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती। उसके अलावा 99.99% का अगर गोल्ड कॉइन खरीदते हैं आपके लिए बेहतर रहता है। इंश्योर करें कि आपका जो गोल्ड कॉइन है टेम्पर प्रूफ पैकेजिंग में हो, ताकि बेचते वक्त आपको ये ना हो कि उसमें कोई फ्रॉड है, उसमें कुछ डैमेज है, या उसकी वेट या प्योरिटी के लिए क्वेश्चन मार्क रहे हैं, तो आपको टेम्पर प्रूफ पैकेजिंग की बात करनी है। उसके अलावा कॉस्ट की अगर हम बात करें, बिल्कुल 24 कैरेट का डेली का प्राइस अलग अलग रहता है। आप ज्वेलर एसोसिएशन की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। इनफैक्ट जैसा हमने बताया, आप हमारी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम आपको डेली का गोल्ड प्राइस बता देते हैं। उसके अलावा मेकिंग चार्जेस लगते हैं, मार्कअप चार्जेस जिसको बोला जाता है, वो भी लगते हैं, पर वो नेगोशिएट कर सकते हैं, काफी कम रहते हैं ज्वेलरी के कंपैरिजन में, अभी हम जानेंगे। उसके अलावा गवर्नमेंट GST लगती है जो कि रिवर्स नहीं होती है, तो ये एक डिसवांटेज रहती है वहां पर। गोल्ड कॉइन, फिजिकल गोल्ड अगर आप लेते हैं तो 3% का आपका GST लगती है। आप इंश्योर करेंगे कि आपको बिल लें भी गोल्ड कॉइन लेते हैं, उसके अलावा उस पर सेलिंग टर्म्स जो रहेंगे अगर आप ज्वेलर से लेते हैं तो जो आप जरूर लिखवा लें। विनय जी, तो यहाँ पे ये तो बात होगी कि कितने चार्जेस या कॉस्ट लगती है। अगर मुझे एक गोल्ड कॉइन खरीदना है तो बेस्ट जगह कौन सी रहेगी, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बुलियन ट्रेडर्स की, जो काफ़ी अच्छा माना जाता है कोस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर आपको सेल गोल्ड कॉइन्स आप जो रहता है और जो बाय रहता है, वो बिल्कुल जो लाइव प्राइस रहता है डेली का गोल्ड का, उसके पास ही देते हैं। यहाँ पर अननेसेसरी आपसे ज़्यादा प्राइस गोल्ड का नहीं लिया जाएगा। उसके अलावा जो आपके मार्कअप चार्जेस रहते हैं वो भी काफ़ी कम रहते हैं, 200 to 700 रुपीज रहते हैं, लोएस्ट रहते हैं एज कम्पेयर टू अदर ऑप्शन जो हम डिस्कस करेंगे। तो एक तो आपको लाइव प्राइस का बेनिफिट मिलता है, काफी और जगह पर भी आपको बिल्कुल एग्जैक्ट रेट मिलता है, जो भी मिनट टू मिनट फ्लक्चुएशंस रहती है वो फ्लक्चुएशंस का बेनिफिट भी आपको यहाँ पर और कुछ और जगह है जहाँ पर आपको मिलता है। इसके अलावा जब आप सेल करते हैं, ये लोग जब सेल करते हैं तो बड़े थिन मार्जिन में सेल करते हैं, क्योंकि ये बल्क में डील करते हैं। डिसएडवांटेज ये रहती है कि बुलियन ट्रेडर्स आपके शहर में हो सकता है ना हो, बड़ी इंपॉर्टेंट सिटीज में ही ये सेंटर्स होते हैं। इसके अलावा छोटी क्वांटिटी में सेल नहीं करते हैं कॉइन्स को, आपको बड़े डिनोमेशंस में ही मिलेंगे। अगर आप 1 ग्राम का खरीदना चाहते हैं तो हो सकता है कि आपको यहाँ से ना मिले, 10 ग्राम के आसपास या उससे ऊपर का गोल्ड कॉइन खरीदते हैं तो आप यहाँ से खरीद सकते हैं। विनय जी, बहुत बढ़िया आशीष। तो यहाँ पे अब एक चीज आती है कि जो गोल्ड कॉइन है लोग बैंक से बहुत ज्यादा प्रिफर करते हैं और बैंक जाके करते हैं, हैसल फ्री है, गोल्ड में बैंक में गए और गोल्ड ले लिया। तो बैंक से गोल्ड कॉइन खरीदना कितना बेहतर है या सही रहता है? बिल्कुल बैंक से आपको एक बेनिफिट मिलता है कि आपको इस चीज़ का आश्वासन मिलता है कि जो भी आप गोल्ड कॉइन खरीद ले हैं वो बिल्कुल प्योर है, जिस भी क्वांटिटी में वो दे रहे हैं और जिस भी प्योरिटी का दे रहे हैं, चाहे 99.99 हो या 99.5% का हो, उस केस में आप ये अश्योर रह सकते हैं। टेम्पर प्रूफ पैकेजिंग में मिलता है बैंक से। इसके अलावा आप NBFC से भी खरीद सकते हैं, जैसे मुथूट फाइनेंस से भी आपको सोना जो है मिल सकता है। एक डिसएडवांटेज रहती है कि ये लोग सोना वापस नहीं लेते हैं, RBI रूल के अकॉर्डिंग ये सिर्फ सोना सेल कर सकते हैं पर अपना बायबैक नहीं कर सकते हैं, तो आपको ये जो है सोना यहाँ पर वापस ज्वेलर्स पे डिपेंड करना पड़ेगा, या बाकी जो एजेंसीज हैं जहाँ अभी हम जानेंगे गवर्नमेंट एजेंसी है, वहां पर भी जाके आप सेल कर सकते हैं। मेकिंग चार्जेस यहाँ पर ज्वेलर्स के आसपास के ही रहते हैं, थोड़े से ज्यादा रहते हैं एज कम्पेयर टू बुलियन ट्रेडर जैसे हमने बात की। विनय जी,
तो अब यहाँ पे ये बात करते हैं कि जैसे छोटे शहर है वहां पे ज्वेलर्स काफी होते हैं और बैंक पे नहीं मिल पाता, तो ज्वेलर से खरीदना कितना बेहतर रहता है? ज्वेलर से आप खरीद सकते हैं, पर कुछ बातों का आपको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। आप इंश्योर करेंगे कि BIS हॉलमार्क क्वालिटी का ही गोल्ड खरीदेंगे। आप ब्रांडेड शॉप से खरीदेंगे क्योंकि वहां पर ट्रांसपेरेंट रहता है, इनफैक्ट एक्सरे मशीन उनके पास रहती है जिससे गोल्ड को प्योरिटी को मेजर किया जाता है। आपके सामने वो टेस्ट भी करा के आपको दिखा सकते हैं। नॉर्मली उनका जो चार्जेस रहते हैं, मेकिंग चार्जेस थोड़े ज्यादा रहते हैं, ये एक डिसवांटेज रहती है। उसके अलावा फ्लक्चुएशन जो रहती है हाई प्राइस की, हाई प्राइस होने पे प्राइस तो उनका जल्दी इंक्रीज हो जाता है, पर जब प्राइस नीचे की तरफ जाता है तो थोड़ा लेट लगता है उनका प्राइस डिक्रीज होने में। तो वो आपको लाइव जो रियल प्राइस है वो हो सकता है ना मिल पाए आपको। उसके अलावा मेकिंग चार्जेस में आप इंश्योर करें कि उनसे ऑफर की बात करें। काफी टाइम पे मेकिंग चार्जेस जो कि 2 से 3% रहता है नेगोशिएट कर सकते हैं। फेस्टिवल ऑफर्स में वो डिस्काउंट भी देते हैं, तो आप डिस्काउंट की जरूर बात करेंगे। ज्वेलर से ले रहे हैं तो बिल इंश्योर करें आप। इनफैक्ट जहां से भी गोल्ड कॉइन्स लेते हैं आपको बिल इंश्योर करना है। आप बिल जरूर लेंगे और उस पर सेलिंग टर्म्स जरूर लिखवाएंगे अगर आप ज्वेलर से लेते हैं, क्योंकि ये आपको फायदा पहुंचाता है जब भी आप ज्वेलर्स को वापस बेचने जा रहे हैं। तो नॉर्मली ज्वेलर्स काफी अच्छा ऑप्शन नहीं माना जाते एज कम्पेयर टू बुलियन ट्रेडर। अगर आपको एक अच्छी क्वांटिटी में सोना खरीदना है तो हमारा रहेगा आप बुलियन ट्रेडर से प्रेफर करें। ज्वेलर से ले रहे हैं तो अच्छी ब्रांडेड शॉप से ही खरीदें मेरे जी। तो अब यहां जाते जाते मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि गवर्नमेंट एजेंसी जो कि फुल प्रूफ मानी जाती हैं, जैसे कि MMTC हो गया या फिर गवर्नमेंट की दूसरी एजेंसी है, वहां से कितना खरीदना बेहतर रहता है और कितना सही रहता है? बुलियन ट्रेडर के बाद हमारी रह रहेगी, आप MMTC से ही अपना गोल्ड कॉइन खरीदेंगे। यहाँ पर सेल और परचेज दोनों होती है, आपको दोनों का बेनिफिट मिलता है एज कम्पेयर टू बैंक। यहाँ पर आपको हर डिनोमिनेशन में आपको कॉइन्स मिल जाएंगे, छोटी क्वांटिटी का भी आपको गोल्ड कॉइन मिल जाएगा। आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 99.99% प्योर गोल्ड ही मिलता है, आपको ये एक फायदा मिलता है यहाँ पर। उसके अलावा आप डेली चार्ट इनका जो रहता है इनकी वेबसाइट पे अवेलेबल होता है कि डेली के क्या प्राइजेज हैं, आप उनकी वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। आपको पता रहेगा कि आप किस प्राइस पे खरीदने हैं, उसको कंपेयर कर सकते हैं ज्वेलर्स के या बुलियन ट्रेडर के साथ या बैंक के साथ कंपेयर कर सकते हैं इनका प्राइस कितना है। उसके अलावा जब भी आप MMTC से खरीदते हैं तो MMTC पैम्प रिटेल आउटलेट रहते हैं, काफी शेयर्स में रहते हैं, इनकी वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं। आप उनके ऑफिशियल ऑथोराइज रिटेल आउटलेट से खरीदेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इसके अलावा एक और कंपनी रहती है स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यहाँ से भी अपना गोल्ड कॉइन खरीद सकते हैं अभिनय जी। बहुत बढ़िया आशीष, तो ये वीडियो था गोल्ड कॉइन से रिलेटेड, कहाँ पे खरीदना बेहतर है और कहाँ पे खरीदना नहीं चाहिए। तो आज का वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं, धन्यवाद।